एक छोटी सी क्यूट सी पिक्चर सेलेक्ट की है, एक ऑनलाइन साइट में देखी थी। तो इसके लिए हम पेन या पेंसिल की मदद से आउटलाइन कर लेंगे, बॉर्डर्स बना लेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी परफेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है, परफेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हो आप लोग, मैंने बस आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम एक्रेलिक कलर से, वाइट एक्रेलिक कलर से इसकी बॉडी पे, फेस पे वो कलर्स फिल कर देंगे। ठीक है, प्रॉपरली कलर फिल करने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं, आराम से आप फिल कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें बैम्बू स्टिक का ध्यान रखते हुए ग्रीन कलर फिल कर देंगे, ग्रीन या डार्क ग्रीन। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन भी शेड दे सकते हैं, ब्राउन का भी शेड दे सकते हैं बैम्बू में, और भी ब्यूटीफुल लुक देने के लिए। तो ऐसे करके हमारी बैम्बू स्टिक कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम ईयर्स, आईज, लिप्स, हैंड्स, लेग्स और इसकी क्यूट सी टेल में ब्लैक कलर फिल करेंगे। इसमें आपको बहुत ही ध्यान से काम करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी होता है तो वो वाइट में जाके मिक्सअप हो जाएगा, जो कि पूरा ब्लैक कलर फैल जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आराम से फिल करिए, किसी भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे से क्यूट से पांडा में चलिए फिल करते हैं कलर्स। तो अब कलर्स तो फिल कर दिए, तो ये जो हमारा पहला पांडा है इसके हम बॉर्डर्स आउटलाइन भी बना देंगे ताकि ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके कंप्लीट होते ही हम दूसरे पांडा पे जाएंगे। हमने एक साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि हाथ पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कलर ड्राई नहीं हो पाता तो कलर लगता है, जिसकी वजह से हमारा दूसरा पांडा ख़राब हो सकता था। तो हम वन बाई वन कर रहे हैं, पहले वो पांडा अब ये पांडा। ओके, ये पांडा कंप्लीट होने के बाद हम इन दोनों पांडास के बीच में एक छोटा सा क्यूट सा हार्ट शेप देंगे। कैसा भी आप हार्ट शेप बना लो, उसमें रेड कलर फिल करेंगे ताकि और भी इसको ब्यूटीफुल लग दे। ये उस ड्राइंग में तो नहीं था बट मैंने सेलेक्ट किया है, तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना ये पांडा। बट अभी ये वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ नहीं है, उसके लिए हम इसका डेकोर का वार्निश यूज़ करेंगे, जो कि मैंने ऑनलाइन साइट से मंगाया था, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दे दूँगी। इससे आपका वो जो पेंटिंग है, जो आपकी डिज़ाइन है, वो वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ बन जाती है। ठीक है, जिससे पानी से कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो देखिए फाइनल लुक इसका, ग्लॉस फिनिश तो कितना शाइनी और कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन पिक्चर फैक्ट्री एंड ऑल स्मोकी डायरी, बोथ आर द सेम नेम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव लव, बाय।